भारत और फ्रांस ए के बीच चल रहे महिला हॉकी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट का दूसरा मैच रविवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के हॉकी इस्ट्रोटर्फ मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमें लखनऊ से चलकर शनिवार शाम को टाउन हॉल स्थित एक होटल में विश्राम के लिए पहुंची, जहां उत्तर प्रदेश हॉकी के महासचिव डॉक्टर आरपी सिंह, उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश और वीर बहादुर स्पोर्ट्स कॉलेज के छात्रों ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों और सदस्यों का भव्य स्वागत किया। पहले मैच में मिली हार का हिसाब बराबर करने के इरादे से भारतीय टीम तैयार है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे, महिला हॉकी टीम के कोच बलजीत सिंह सैनी और उत्तर प्रदेश हॉकी महासचिव एवं उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने कहा, अरे यार ये रखवा दो यार ऊपर रखो इसको ले। अगर आप परसेंटेज में देखे तो हमारा बहुत अच्छा था, पिछले मुकाबले मैच हुआ था उसको वीडियो देखा है, वीडियो एनालाइज किया जाएगा, उसे देखा होगा ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है, वो ज़्यादा नहीं खेलने जाते हैं, खास करके इनकी विनर टीम को।
तो यहाँ एक बहुत बड़ा जेस्चर है फ्रांस की टीम, बहुत अच्छा माहौल है। जिस तरह से हमारा वेलकम हुआ ऐसा लग रहा है जैसे कि माहौल है यहाँ पे स्पोर्ट्स का, तो बहुत खुशी हुई जैसा हमारा यहाँ पे वेलकम हुआ। और नया स्टेडियम बना है और सुना है कि काफ़ी अच्छा है, तो हम काफ़ी उत्सुक हैं इस स्टेडियम में खेलने के लिए। पहले मैच के पिक्चर इस मैच में किस तरह की तैयारी? देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो आप मैच एक टूर्नामेंट में या किसी टेस्ट सीरीज़ में पहला मैच खेलते हैं तो उसमें जो गलतियाँ होती हैं कोशिश होती है कि वो गलतियाँ अगले मैच में ना दोहराई जाएँ। तो मैच का वीडियो हमने देख लिया है, जो गलतियां हैं उनको ध्यान में रखा गया है। अब शाम को आज मीटिंग की जाएगी, वीडियो सेशन होगा, कल भी वीडियो सेशन होगा, तो प्लेयर्स को बताया जाएगा जो जो गलतियां हमने की हैं। इतना डोमिनेट करने के बाद, इतना अच्छा खेलने के बावजूद 9 पेनल्टी कॉर्नर मिलने के बाद हम एक भी गोल नहीं कर सके, तो ये भी एक ग्रे एरिया है हमारा, तो उसके ऊपर काम करेंगे और कोशिश होगी कि कल वाला मैच जीतें और सीरीज़ में उत्सुकता बनी रहे। ऐसे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, ताकि हम लोग को सब ने बहुत अच्छे से स्वागत किए, बहुत मजा आया कि हम देखने के, और हमारे इंडिया इतना कर रहे थे, हमें खेलना चाहिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम अच्छा से खेलें और एक दूसरे की हेल्प करें ताकि हमारी टीम और आगे जा सके। हमारी कल फर्स्ट मैच था इसीलिए हमने 1-0 से हार गए, बट आई थिंक कि स्कोर करना चाहिए, पर हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं हुई इसी की वजह से हम 1-0 से हार गए। पर हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे सर भी, बलजीत सर वीडियो एनालाइज किए हैं, तो उनको दोबारा गलतियाँ नहीं करेंगे और हम गोल करने की कोशिश करेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में जो चूक हुई उसको कैसे? पेनल्टी कॉर्नर में सब कोशिश किए थे पर हमारी बॉल अच्छी तरह से नहीं रुकी, इसी की वजह से हमारी गोल नहीं हो पाई। ये अच्छी टीम कैसी है? वो टीम भी बहुत अच्छी है, टक्कर की टीम है, हम लोग उनसे बहुत अच्छे से तरह से खेलेंगे और कंपटीशन करेंगे, तो हम उनसे वेट कर सकते हैं। थैंक यू। ये महिला फ्रांस हॉकी टीम आई हुई है और साथ में इंडिया की टीम आई हुई है, जो कल यहाँ पे वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में जो अभी नई टर्फ का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 28 जनवरी को किया गया था, वहीं पर ये मैच खेला जाएगा कल 3 बजे से। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और ये गोरखपुर वासियों के लिए, जो अगल बगल के जो लोग हैं उनको एक अच्छा हॉकी का मैच देखने को मिलेगा। ये जो फ्रांस की टीम है ये अपना ओलंपिक की भी तैयारी कर रही है, ख़ास तौर से आपको बताना चाहेंगे कि 2024 में फ्रांस में ओलंपिक होने वाला है, तो ये टीम अभी से प्रिपेयर हो गई है ओलंपिक की तैयारी के लिए 2024 के लिए, क्योंकि 2020 में आप जानते हैं टोक्यो में 2020 है, उसके बाद वो फ्रांस में है, तो ये अभी से ही अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं। और चूंकि होस्ट जब आदमी रहता है तो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पदक अर्जित करें, देश के लिए गौरव की बात होती है, तो अभी से फ्रांस टीम अपनी तैयारियों में लग गई है। देखिए जो भारतीय हॉकी का जहाँ तक सवाल है, एशिया में हमारी टीम अभी एशियन गेम्स में रजत पदक पाई और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, हमारी टीम बाहर भी टेस्ट मैचेस खेल रही है, एशियन चैंपियनशिप से लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही है। और एशिया में एक भारतीय हॉकी टीम ही ऐसी है जो महिला और पुरुष दोनों वर्ग में रियो ओलंपिक में क्वालिफाई करके गई थी, तो दोनों टीमें और ख़ासतौर से हॉकी की इस समय अच्छा कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे इस टाइप के जो मैचेज होते हैं वो अगल बगल जो छोटे शहर हैं या जो हॉकी प्रेमी हैं जिनको देखने का मौका नहीं मिलता है, साक्षात मैच देखने का नहीं मिलता है, उनको ये यहाँ के गोरखपुर वासी और अगल बगल के लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी के प्रति और भी लोग और बच्चे आकर्षित होंगे। नहीं, बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, आप जानते हैं गोरखपुर में पहली बार ऐसा मैच होने जा रहा है और प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश सरकार ने इस मैच का आयोजन किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा मैच है, फिर लखनऊ में 12 और 13 को फ्लडलाइट में मैच होगा और ये 4 मैचों की सीरीज है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम कल गोरखपुर में, आप सब जो भी यहाँ के दर्शक होंगे, बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करेगी।